दोस्तों, जैसे जैसे आरसीईआरटी एग्ज़ाम की डेट 6 दिसंबर 2020 पास में आ रही है, वैसे वैसे आरसीईआरटी एग्ज़ाम के जो फ्रेशर स्टूडेंट हैं, जो आरसीईआरटी का पहली बार एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, विशेषकर स्कूल के स्टूडेंट्स जो 8th क्लास के हैं, 9th क्लास के हैं या 10th क्लास के हैं, तो उनके दिमाग में कई तरीके के सवाल भी आ रहे हैं कि आरसीईआरटी का एग्ज़ाम किस टाइप का होता है, आरसीईआरटी के एग्ज़ाम में कुल कितने पर्सन आते हैं, आरसीईआरटी एग्ज़ाम में पास होने के लिए हमें कम से कम कितने पर्सनों को सही करना होगा, क्या आरसीईआरटी के एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग भी होती है, तो इस टाइप के कई और सवाल भी होते हैं। तो दोस्तों, अगर आपका भी एग्ज़ाम पहला है 6 दिसंबर 2020 को, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप इस वीडियो को एंड तक कंप्लीट देखना, इसमें सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। तो दोस्तों, हम इस चैनल पर आरसीईआरटी एग्ज़ाम से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के वीडियो लगातार हम अपलोड कर रहे हैं, और अभी तक आपने हमारा कोई भी वीडियो नहीं देखा है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप यूट्यूब पे सर्च करिए स्मार्ट अकाउंटिंग आरएसएनआर को, और इसके प्लेलिस्ट में जाओगे तो आपको प्लेलिस्ट मिलेगी आरसीईआरटी एग्ज़ाम दिसंबर 2020 का, तो इसमें आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे। तो आप एग्ज़ाम तक इन सभी वीडियो को जरूर देखें, सारे नॉलेजेबल वीडियो है और ये आपकी एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा हेल्प भी करेंगे। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब भी आप जरूर कर लेना, और साथ में बेल आइकन का बटन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन पर भी जरूर क्लिक कर लेना, क्योंकि अब इस चैनल पर इसी तरीके की आपके लिए एग्जाम तक नॉलेजेबल वीडियो लाते रहेंगे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो दोस्तों, आज का जो पहला क्वेश्चन है भी आरसीईआरटी के एग्जाम में कुल कितने पर्सन आते हैं, तो इसका जो आंसर है वही रहेगा भी आरसीईआरटी के एग्जाम में कुल 35 यानी कि 35% आपसे पूछे जाएंगे, और ये आंसर आपको ओमर सीट पे देना होंगे। तो ये ओमर सीट पे एग्जाम किस तरीके से होता है, ओमर सीट भरते वक्त हमें किन किन सावधानियों का ध्यान में रखना होता है, इसके लिए मैंने एक स्पेशल वीडियो इस चैनल पर अपलोड किया हुआ है, और उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, और ऊपर आप देख रहे हो आई बटन पर भी इसका लिंक आ गया है। तो आप इस वीडियो के साथ साथ एक बार ओमर सीट को कैसे भरी जाती है, विशेषकर जो पहली बार आरसीटी का एग्जाम देने जा रहे हैं वो स्टूडेंट, तो इस वीडियो को जरूर देखना, जिससे कि आपकी कोई भी गलती नहीं होगी और आपको किसी से पूछना भी नहीं पड़ेगा। तो दोस्तों, टोटल 35 क्वेश्चन आपको मिलेंगे आरसीईआरटी एग्जाम में, और आपका जो प्रश्न आएगा, प्रश्न पत्र जो आपको दी जाएगी, बुकलेट जो दी जाएगी, वो इस टाइप की बुकलेट होगी, इसी में आपको 35% मिलेंगे। एक साइड में आपको इंग्लिश रहेगा और सामने इसके हिंदी में इसकी ट्रांसलेट भी की हुई है। तो इसका जो आंसर है वो आपको ओमर सीट पर देना होगा। तो वो किस तरीके से देते हैं उसका वीडियो मैंने अच्छी तरीके से ओमर जो वीडियो है उसमें एक्सप्लेन किया हुआ है। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन यही था भी कुल कितने क्वेश्चन, तो आपका जो डाउट है वो ये है भी 35 क्वेश्चन आपको मिलेंगे आरसीईआरटी एग्जाम में। अब रही बात भी आरसीईआरटी एग्जाम में पास होने के लिए मिनिमम आपको कितने पर्सन सही करने पड़ेंगे, तो आरसीईआरटी के एग्जाम में मिनिमम आपको 14%, 35 में से 14% आपको बिल्कुल सही करने पड़ेंगे। तो इसके लिए आपको ध्यान में रखना भी कम से कम 14% आपके सही होने चाहिए, तब आप आरसीईआरटी एग्जाम में पास हो पाओगे। अगला जो क्वेश्चन था भी आरसीईआरटी एग्जाम में कौन से लेसन में से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यह सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। तो दोस्तों, इसका जवाब भी अभी ये है भी आरसीईआरटी की बुक्स में टोटल कुल 16 लेसन है, और उस 16 लेसन में से अगर हम बात करें भी लेसन वाइज भी कौन से लेसन में से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो जो लेसन संख्या 1 से लेकर 9 तक है, तो उसमें से आरसीईआरटी में बुक एग्जाम में 12 से 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये हमने इसका जो डाटा एनालिसिस किया है, ये आरसीईआरटी के जो लास्ट 5 एग्जाम जो हुए हैं उनको एनालिसिस किया, उनका रिकॉर्ड, और उसी के आधार पे हमने सब कुछ किया भी लगभग इस लेसन वाइज ये इस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं। ये लास्ट 5 जो एग्जाम हुए हैं आरसीईआरटी की तरफ से, उनके डाटा का एनालिसिस हमने करके देखा है इसको। अब जो क्वेश्चन नंबर 1 से जो 9 है, जैसे क्वेश्चन नंबर जो लेसन नंबर पहला है भी कंप्यूटर का परिचय है, सेकेंड लेसन कंप्यूटर सिस्टम, 3 नंबर अपने कंप्यूटर को जाने, 4 नंबर इंटरनेट का परिचय है, डिजिटल भुगतान और प्लेटफॉर्म, इंटरनेट के अनुप्रयोग, राजस्थान के नागरिकों के लिए डिजिटल सेवाएं, राजस्थान में नागरिक सेवाओं तक पहुंच और नागरिक केंद्रित सेवाओं की जानकारी, यानी कि ये लेसन नंबर 1 से लेकर 9 तक, इन 9 में से 12 से लेकर 15 तक क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। और उसके बाद में लेसन नंबर 10 से लेकर 13, उसके बीच में 12 से 15 जो क्वेश्चन है, अब इसमें से जैसे मोबाइल डिवाइस के बारे में, स्मार्टफोन के बारे में, उसके बाद में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट के बारे में जो क्वेश्चन होते हैं, वो 12 से लेकर 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
उसके बाद में 14 से 16 नंबर तक के जो लेसन है उसमें 8 से 10 क्वेश्चन आते हैं, और 3 से 5 क्वेश्चन फुल फॉरम के भी पूछे जाते हैं। तो अगर इसकी, अगर मोटे तौर पे अगर इसकी बात करें तो इंटरनेट व मोबाइल डिवाइस के बारे में लगभग 7 से 9 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे बुक्स के अकॉर्डिंग, और कंप्यूटर से जो रिलेटेड क्वेश्चन है जैसे कंप्यूटर हार्डवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर के बारे में, कंप्यूटर के सिस्टम के बारे में, ऑपरेटिंग के सिस्टम के बारे में, कंप्यूटर के प्रकार के बारे में, तो ये सिस्टम कंप्यूटर सिस्टम के बारे में 8 से 10% RCET एग्जाम में पूछे जाते हैं, और राजस्थान नागरिक सेवाओं के बारे में 5 से 7% भी जरूर पूछे जाते हैं। इसमें ई मित्र, ई मित्रा, एसएसओ से संबंधित लॉग इन वगैरह क्या होता है, किस टाइप से ये जो भारत सरकार की या राज्य सरकार की जो सेवाएं हैं वो सब, उनके बारे में 5 से 7 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2010 यानी कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट की बात करें तो 6 से लेकर 8 क्वेश्चन तक इन तीन सॉफ्टवेयर के बारे में पूछा जाता है, एक्सेल, वर्ड और पावर पॉइंट के बारे में। और 4 से 5 क्वेश्चन साइबर सुरक्षा और जागरूकता के बारे में भी आते हैं, ये डेटा एनालिसिस है। और फुल फॉर्म 3 से 5% भी जरूर आते हैं। ये फुल फॉर्म तो आपको हर हाल में याद रखनी है, हर एक एक पॉइंट टू पॉइंट, तो ये 3 से 5% ये आपके पक्के ही आएंगे। और साइबर सुरक्षा 4-5 हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, तो एस्टिमेटेड जो आईडी है वो 4 से 5 के बीच में रहता है। और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2010 के जो क्वेश्चन रहते हैं एक्सेल वर्ड, वो 6 से 8 के बीच में रहते हैं। तो दोस्तों ये थे सारा पूरे बुक्स का एनालिसिस। तो अगर आप बुक्स से पढ़ाई कर रहे हो तो आप इनके बारे में भी इस टाइप के क्वेश्चन जरूर पढ़ें, और अपने जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हर लेसन के एंड में दिए उन्हें भी आप जरूर पढ़ें, और बुक्स के बीच में से भी आप अपने लेवल पे क्वेश्चन बना के भी जरूर उनको याद करें। तो दोस्तों ये थे भी कौन से लेसन में से कितने टाइप के क्वेश्चन आते हैं और कितने आ सकते हैं। अब जो फाइनल जो क्वेश्चन है वो यही है भी, क्या RCET एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग होती है। तो दोस्तों RCET के एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग तो नहीं होती है, लेकिन आपको एक बात का ध्यान रखना है भी, जो आपका एग्जाम होगा वो इस OMR सीट पे होना है। अगर आपने OMR सीट में कोई जो डॉट आपको ब्लैक करने हैं, अगर उसमें आपने कोई गलती कर दी तो आपका वो आंसर बिल्कुल जो पर्सन है आपका वो रिजेक्ट माना जाता है, यानी कि वो आपका पर्सन है, चाहिए आपने इसको सही किया है तो वो गलत होएगा। आपने अगर इस तरीके से फिलअप किया तो, जैसे मैंने यहाँ पर इसमें दिखा रखा है भी, अगर आपने एक ही जैसे क्वेश्चन नंबर 2 है और आपने 2 को ब्लैक कर दिया तो ये आपका गलत माना जाएगा। अगर आधा अधूरा अगर आपने भरा है यानी कि सही इसका डॉट पूरा ब्लैक नहीं किया आपने तो ये भी गलत है, अगर टिक मार्क किया तो भी गलत है। तो सही आपको करना है इस तरीके से, एक जो पर्सन है उसका एक ही कॉलम आपको ब्लैक करना है, 2 कर दिया, 3 कर दिया तो वो पूरा क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है भी, एक ब्लैक कर दिया, अगर आपके सेकंड टाइप के अंदर आपने कोई डॉट भी कर दिया, जैसे सी सही है लेकिन बी पे आपका गलती से डॉट का निशान लग गया पेन से, तो भी ये OMR के अंदर इसको रिजेक्ट कर देता है। अगर आप अपने ब्लू पेन से जब इसको आप इस घेरे को आप काले करोगे तो आपको ध्यान रखना है भी, इतना ज्यादा भी नहीं करना कि अपना जो पेन है वो आर पार हो जाए, तो बिल्कुल हल्के हल्के टाइप से करना है, क्योंकि जब अगर आपका पेन आर पार हो गया यानी कि पेज उसमें फट गया तो भी इसको OMR के अंदर रिजेक्ट कर देता है। तो विशेषकर आपको ये ध्यान रखना है, और ये OMR सीट का जो वीडियो है उसमें अच्छी तरीके से एक्सप्लेन भी किया हुआ है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर भी जरूर कर देना, और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो सब्सक्राइब आप जरूर कर लेना, क्योंकि हम इस चैनल पर इसी तरीके के नॉलेजेबल वीडियो डालते रहते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।